किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। आइटम नंबर 25। महोदय, श्री नित्यानंद राय जी, गृह मंत्री अनिल अमित शाह जी की ओर से प्रस्ताव करता हूँ कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1991 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। आप सीटों पे बैठे, आप चर्चा करना चाहते हैं, बिठाए। हाउस ऑर्डर माने दो, हाउस ऑर्डर माने दो। अरे ऐसे सदन नहीं है, माननीय सदस्य प्लीज, आप इसी विषय पर बात करेंगे। हाँ, आप मत सलाह दीजिए, बैठे सीट पे। आप जब बोलेंगे, जब सब सीट पे बैठेंगे, सब सीट पे बैठेंगे जब बोलेंगे आप। सर एक मिनट सर, सब सीट पे बैठे आप। आई राइज टू अपोज द इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल अंडर द नोमेनक्लेचर द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 under rule 72 of rules of procedures and conduct of business, as the bill vindicates the outrageous infringement of this government upon the territory of the states. It is designed of digging up a graveyard for cooperative federalism. Sir, ye vidhayak nirvachit Delhi Vidhan Sabha se sevaon se sambandhit मामलों को कानून बनाने की शक्ति को वापस ले लेता है। बड़े संक्षेप में चार बिंदु पे बात करना चाहते हैं। संविधान की संविधान की सातवें अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अर्चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधायक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि अनुच्छेद 239 के स्पष्ट रूप से दिल्ली विधानसभा को राज्य और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामले पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इससे संविधान की अपेक्षा करने और उच्चतम न्यायालय की अनदेखी करने में केंद्र सरकार की दृष्टिकोण को बारे में गंभीर प्रश्न उठता है। इस विधायक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से ज्यादा स्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करने का है। उच्चतम न्यायालय के फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामले में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के एन के प्रेमचंद सर, आई राइज टू आप बोलना। जब बिल पे डिबेट हो तो आप जितनी देर कहेंगे आपको पर्याप्त मौका देंगे। आप अभी विषय क्या है कि विधायी पावर है नहीं, ये विषय है ना, आप विद्वान है ना। हाँ बोले आप, हाँ बोले, बोलने का जब इच्छा चल रहा तो भी नहीं बोलने का मौका मिलेगा आपको पर्याप्त। ये क्या बात है सर, बोलेंगे सर। ये चार संक्षिप्त चार बिंदु पे सर, एक बिंदु आप पता नहीं, आप माइक दिया माइक चालू है आपका नहीं, ये तो अभी चालू किया सर, दोबारा पढ़ना पड़ता है। इस विधेयक का उद्देश्य उच्चतम न्यायालय की फैसले से यथास्थापित दिल्ली सरकार के अधिकार और उसकी स्वतंत्रता को कम करना है। उच्चतम न्यायालय की फैसले को बदलने की कोशिश कर और दिल्ली सरकार के मामलों में हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार संघवाद के उस महत्व को कमजोर करना चाहती है जो हमारी मजबूत और कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तीन नंबर सर, आप विधायक अध्यादेश उच्चतम न्यायालय की इस फैसले को निष्प्रभावी करने का प्रयास करते हैं, जिसमें दिल्ली सरकार की शक्तियां को बहाल करते हुए कहा गया था कि अगर सरकार को अपने नौकरशाहों पर नियंत्रण नहीं। कॉम्पिटेंस के बारे में सिर्फ बोल सकते हैं और कॉम्पिटेंस के बारे में नहीं बोलता है तो तुरंत कंसिडरेशन करने के लिए बोल दीजिए, हम मेरिट पर चर्चा करने के लिए हम तुरंत तैयार है। एन के प्रेमचंदन जी, यस, आपका विषय, आप तो इस विषय पर बोल सकते। लास्ट सर, ये विधायक दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार का विस्तार करता है। ये दिल्ली सरकार और संघ सरकार के बीच संबंधों को सरोकार में उपराज्यपाल के
विवेकाधीन अधिकार का विस्तार करता है। प्रेमचंद जी, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, थैंक यू वेरी मच स्पीकर सर। आप हमेशा सदन सदन की नियम प्रक्रिया के तहत आप बोले। जब एक नहीं 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 माननीय माननीय आप नेता हैं, मैं पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर आपको पर्याप्त समय दूंगा जब बिल पर डिटेल चर्चा होगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सदन नियमों प्रक्रियाओं के तहत है, जिस विषय पर आप आपत्ति करना चाहते उस विषय पर आपत्ति बोले, नियमों के तहत बोले। सर सर आई वेहेमेंटली अपोज, सर आई वेहेमेंटली अपोज द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023 ऑन थ्री ग्राउंड्स। आप तो नियम से बोलोगे ना? आप नियम से बोला है। हाँ, रूल्स की बात बोलना, रूल्स के बाद बोला है सर। रूल 72(2) ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, आई एम क्वेश्चनिंग द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन हैविंग द लेजिस्लेशन ऑफ द बिल नंबर 1। सर इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म विच इज बींग एनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर फेडरलिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ दिल्ली, it is not having the administrative and legislative control over the bureaucrats means the government has, there is no meaning in having the government of Delhi. That is why I am saying that it is absolutely taking away, sir, taking away the administrative and legislative control by the bureaucrats and the political bureau, sorry, the political leadership and the elected. No, sir, no. Sir, 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 please, second point, second. Kya sune aapki? आप 72 के नियम में बोलो, मैं व्यवस्था दे रहा हूं आपको। ट्वेंटी 23 गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर लेट मी रीड द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेज दैट द स्टेट गवर्न, नो दिस इज अ लेजि, आई एम टॉकिंग ऑन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। प्रहलाद जोशी, I am talking on the legislation. Sir, sir, rule 72 says if a motion to leave the introduce the bill is opposed, the speaker, if thinks fit, after permitting the brief statement from the member who opposes the bill, the motion and the member who moved the motion may without further debate put to the motion, provided that where the motion is opposed on the ground that bill initiate the legislation outside the legislative competence of the house, the speaker may permit the full discussion. Sir, it doesn't, it is, okay. it parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss when there is a consideration and passing, sir. Okay. Sir, the second point is, it is overriding the Supreme Court judgment dated 11 May 2023. The Supreme Court judgment is very clear that Delhi state government is having absolute power, administrative as well as the legislative supremacy is with the state government of Delhi. The intent of this bill is to override the Supreme Court. Sir, the third point. Yes. Sir, the third point. Please. Why you are having it? Sir, the third point. 239, Sir, through 239, clause 7 of Constitution of India. Sir, so far the last 30 years of Indian experience, so far the clause 7239AA article of the Constitution has not been invoked. Here in the preamble, if you go to see, there are two pages of preamble. In preamble, sir, very, very valid point, sir. In preamble, nowhere it is stated that why clause 7239AA is invoked is not being stated in the preamble. OBCG. Preamble is incomplete. OBCG. Therefore, I strongly oppose the bill in introducing. Speaker, sir, मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे opposition leader का कि बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया सर, इन्होंने बगैर प्रधानमंत्री के हाउस चलने दिया, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ सर। तो ये चेस और लूडो का खेल हो रहा है सर, उधर से चेस खेला जा रहा है, लूडो खेला जा रहा है सर। मैं इसलिए अपोज कर रहा हूं कि ये आर्टिकल 123 का वायलेशन है। एक सिंपल बिल से आप संविधान को अमेंड नहीं कर सकते। तीसरा, ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। चौथा ये है कि सर सुप्रीम कोर्ट का 4 जुलाई 2018 का 5 जजेस का जजमेंट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये
इस हाउस को लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, इसलिए मैं इस बिल की मुखालिफत कर रहा हूं। अब जबकि हमारे लीडर ऑपोजिशन ने अलाउ कर दिया बगैर प्रधानमंत्री के, मेरी आपसे गुजारिश है सर, मैं डिवीजन पूछूंगा, आप डिवीजन कराइए। स्वागत राय जी। सर विद दी ऑल दी वेहेमेंस एट माय कमांड आई बेग टू अपोज दी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। As has been mentioned before, that this bill is well outside the legislative competence of Parliament, because the Supreme Court, in a past a judgment in CA number 2357 of 2017 on 11th May 2023 in the matter of government of NCT of Delhi versus Union of India. Now to overwrite the Supreme Court judgment, the government has brought forward a bill. This is totally autocratic. It abrogates. Sir, ho jaage, sir. Sir, ab Premchandran ko char baar mauka diya. Mujhe bhi ek do baar dijiye. Sir, sir, sir. Complete. Sir, I want to say that this is total abrogation of the legislative power of the Union Capital Territory of Delhi under Article 239A of the Constitution. कल आपको पर्याप्त मौका दूंगा, चलाओ सदन पूरा, सबको मौका देंगे। अध्यक्ष पूरा समय महोदय, आप सबको पूरा समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से गैर कानूनी है। कानूनन बात करो, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है, आपको भी पता है। पेज 772 ऑफ कॉलन सकदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट में एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य गणों, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये संसद है और संसद में बोलते समय हर शब्द का उच्चारण ठीक होना चाहिए। हमारे गौरव गोगोई जी उपनेता हैं, वो बोलते हैं, आपको भी पता है। अगर मुझे पता होता तो मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं करता। नो, मुझे पता होता तो मैं बिल को इंट्रोड्यूस कैसे करता? आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता? ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो, ऐसे चलिए। मुझे संरक्षण की आवश्यकता, संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है। और ये जो कॉल एंड सकदर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, नो सब्सटेंटिव मोशन ऑन पॉलिसी मैटर इज टू बी ब्रॉट बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट टिल द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। मोशन ऑफ डिसकॉन्फिडेंस हैज नॉट बीन डिस्पोज्ड ऑफ, दिस इज अ सब्सटेंटिव पॉलिसी, इट इज इलीगल, इट विल बी चैलेंज एंड दिस हैज नो मेरिट। सर, अब रूलिंग दीजिए कि ये सब्सटेंटिव। Thank you, sir. I too would like to oppose the introduction under Rule 72 of the Rules of Procedure, and particularly on the issue of legislative competence. I have four brief points, sir. First, the bill violates the defining feature of a federal democracy, the division of power. It undermines the Delhi Legislative Assembly and the Delhi government, and by trying to supersede the Supreme Court's decision on the matter, the Union government appears to undermine the constitutional principle of federalism. Number two, sir, just four quick points. Sankshipt mein bol raha hoon. Number two, the bill infringes the principle of representative democracy, which is a basic feature of the Constitution. The legislators are accountable to their electorate. The electorate must have a say in who governs them. If the Delhi government is not able to control and hold to account the officers posted in its service, sir, the fact is that it's their responsibility. The legislature cannot be fulfilled. The principle of collective responsibility extends to the responsibility, sir, of the government, sir, for its own officers. Sir, you cannot give bureaucrats the authority that belongs to elect. I am before you, sir. I am before you. Sir, sir, actually, the government is day by day going integrating. That is what everybody feels here. Sir, ever since the first no confidence motion has brought in to this house in 1956,
There is no such precedence to discuss any substantive motion before the discussion of. आप इस विषय बिल से बोलिए. Before the discussion, before the discussion. No, no. No contest motion. Pinaki Mishra ji. Moreover, it is very much against the judiciary, which the Supreme Court has already pronounced. Honorable Pinaki. Honorable Pinaki Mishra ji. Honorable Speaker sir. Honourable Speaker, sir, there are some very, very erudite members of Parliament here who know the law well. I'm surprised that when legislative competence is being discussed under Article 70, under Rule 72 proviso, that there is no advertence at all to the actual Supreme Court judgment or the order which the Supreme Court has passed, a speaking order of 7 pages the Supreme Court has passed in the writ petition filed by the State of Delhi against Union of India. Now, kindly see what the Supreme Court in para 95 has said. It concludes about legislative competence. Please understand, the court says, however, if Parliament enacts a law granting executive power on any subject which is within the domain of NCTD, the executive power of the LG shall be modified to the extent as provided in that law. Government has brought out a law now pursuant to a Supreme Court empowering it. So how can you challenge legislative competence? How do you challenge? I can understand you vote against it. You can vote against it. You can vote no. On a point of law, on a point of law, you cannot, on a point of law, you cannot challenge this. Legislative competence is there. Okay. माननीय गृह मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी विपक्ष के सदस्य सर जो मुद्दे संसद के नियमों के अनुसार उठाए गए मैं इसकी स्पष्टता इस महान सदन के सामने करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी 239 क और सौ के अंतर्गत था इसमें स्पष्ट उल्लेख है संविधान में कि उपखंड क की किसी बात से संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी भाग के लिए किसी भी विषय के संबंध में इस संविधान के अधीन विधि बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं हो सकता इसका मतलब है हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की दूसरा मुद्दा उठाया गया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो हमारे माननीय सांसद बीजेडी के बताया सर्वोच्च न्यायालय के पैरा 6 जजमेंट के पैरा 6, 95 और पैरा 164F इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए माननीय सदस्य मैं आपको फिर कह रहा हूं आपको पर्याप्त मौका दिया आपका ये बयान उचित नहीं है मैं फिर बता रहा हूं आपको देश पूरा देख रहा है आप संसद के अंदर इस तरीके का व्यवहार करते हैं ये उचित नहीं है प्रश्न ये कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए जो सदस्य इसके पक्ष में हाँक हैं जो सदन विरोध में नाक हैं मेरे विचार में निर्णय हावालों के पक्ष में माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें श्री नित्यानंद राय महोदय मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूं
आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। सदन की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।